नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीएनएन में। मैं हूं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे खास कार्यक्रम अतीत से अब तक में हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से किसी एक सीट पर चर्चा करते हैं। आज हम इस चर्चा में विदिशा लोकसभा की बात करेंगे। देश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से विदिशा सीट भी एक अलग स्थान रखती है। इस सीट से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम जुड़ा है। आज चर्चा करेंगे इस सीट पर अब तक बने राजनीतिक समीकरणों की, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। भोपाल से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर विदिशा लोकसभा सीट है। यहाँ की लोकसभा सीट काफी प्रोफाइल सीट मानी जाती है। वर्तमान में यहाँ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सांसद हैं। विदिशा से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सांसद रह चुके हैं। 1989 से लगातार यहाँ पर भाजपा का ही शासन चला आ रहा है। विदिशा में पहला लोकसभा चुनाव 1967 में हुआ था। यहाँ से शुरू के दो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ को जीत मिली थी। पहले चुनाव में एस शर्मा और दूसरे चुनाव में नामी मीडिया हाउस इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के फाउंडर यानी कि रामनाथ गोइनका इस सीट से जीतकर सांसद बने थे। 1977 में यहां से भारतीय लोकदल के नेतृत्व में राघव जी को जीत मिली, लेकिन 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में यहां से भानु प्रताप कृष्ण गोपाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस इस सीट पर सिर्फ दो बार ही जीतने में कामयाब रही, पहली बार 1980 में और दूसरी बार 1984 में जीत पाई थी। हालांकि राघव जी ने भाजपा में शामिल होकर इसे अगले चुनाव यानी कि 1989 में बदल लिया और भानु प्रताप को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। साल 1991 में पूर्व पीएम यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी यहां से मैदान में उतरे। यहां की जनता ने उनको निराश नहीं किया। वाजपेयी ने कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से मात देकर यहां के सांसद बने। भाजपा ने 1991 में शिवराज सिंह चौहान को यहां से टिकट दिया और विदिशा की जनता ने इस बार बीजेपी उम्मीदवार को ही चुना और पहली बार शिवराज सीट से जीत कर संसद पहुंचे। वे इसके बाद लगातार 3 बार यहां से सांसद चुने गए। 1991, 1996, 1998 और 2004 में शिवराज ने लगातार विदिशा सीट पर जीत हासिल की। 2006 में राज्य का सीएम बनने के बाद शिवराज को यहां से सीट छोड़नी पड़ी और यहां पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी ने यहां से रामपाल सिंह को उतारा और रामपाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय रुद्र प्रताप सिंह करारी को मात दी। इससे अगले चुनाव 2009 में बीजेपी ने यहां से दिग्गज नेता यानी कि सुषमा स्वराज को मैदान में उतारा। विदिशा की जनता ने सुषमा स्वराज को 3.50 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर अपना सांसद बना दिया। वहीं 2009 के बाद 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी और ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर विदिशा से सीट से सुषमा स्वराज को उतारने का फैसला लिया। इस चुनाव में सुषमा की पकड़ और मजबूत हुई और 4 लाख वोटों से जीत मिली। ऐतिहासिक दृष्टि से विदिशा मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। ये शहर पहले दो नदियों के संगम पर बसा हुआ था जो कालांतर में दक्षिण की ओर बढ़ता जा रहा है। इन प्राचीन नदियों में एक छोटी सी नदी का नाम वैस है। इस विदिशा नदी के रूप में भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक विदिशा की जनसंख्या 24,89,435 है। यहाँ की 18.61% आबादी शहरी और 81.39% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। वहीं विदिशा में 5.84% अनुसूचित जनजाति है और 18.68% लोग अनुसूचित जाति के हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 2014 में यहां पर कुल 16,34,370 मतदाता थे। इनमें से 8,72,410 पुरुष मतदाता और 7,61,960 महिला मतदाता थी। 2014 के चुनाव में इस सीट पर 65.68% मतदान हुआ। तो विदिशा लोकसभा सीट देश को प्रधानमंत्री और प्रदेश को मुख्यमंत्री देने वाली सीट।
फिलहाल देश की विदेश मंत्री भी विदिशा की ही प्रतिनिधि हैं। इस सीट का मिजाज कैसा रहा है आजादी से लेकर अब तक? सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ का इस पर कब्जा रहा और कांग्रेस कुल 2 बार चुनाव जीत सकी है। इस पूरी सीट के बारे में और वर्तमान जो समीकरण है उस पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे डिजाना समूह के सलाहकार संपादक वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुधीर सक्सेना जी। सुधीर जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र जैन जी। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है। रमेश जी, आप तो इसी क्षेत्र के, आपने बहुत करीब से विदिशा को देखा, समझा, जाना है। कैसा मिजाज है विदिशा का? अगर एक तरफा दिखाई देता है, अगर इस रिपोर्ट कार्ड को देखें, विदिशा के इतिहास को देखें, अतीत से अब तक को देखें, तो सिर्फ 2 बार कांग्रेस चुनी गई है। स्थायी गढ़ है जनसंघ और बीजेपी का विदिशा? देखिए, मोटे तौर पर विदिशा का जो मिजाज राजनीतिक से थोड़ा सा हट करके राष्ट्र की मूलधारा के प्रति है, उसका एक कारण है कि विदिशा को अगर आप देखेंगे, प्राचीन काल में राम ने अपने भाई शत्रुघ्न के पुत्रों को विदिशा अलाट किया हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार अगर पूरी दुनिया में गया तो संघमित्रा और महेंद्र विदिशा के ही नाती थे, विदिशा की बेटी के बेटे थे जो अशोक के बच्चे थे। इसके अलावा भारत के इतिहास के किसी भी पुस्तक के पन्ने को पलट लें, वहाँ पर विदिशा आपको मिलता है। विदिशा में जो नदी बहती है, जिसके दोनों तरफ विदिशा बसा हुआ है, बेतवा नदी। बैस नदी छोटी नदी है, बेतवा के आसपास विदिशा बसा हुआ है। बेतवा का जिक्र पुराणों में मिलता है और वो गंगा से प्राचीन नदी है। अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के विदिशा इस तरीके से राष्ट्र की मूलधारा के साथ जुड़ा हुआ है। और आपने जैसा कि कहा कि विदिशा का लोकसभा क्षेत्र 1967 में आकर के बना जी। और पहले सांसद पंडित शिव शर्मा, जो मूल निवासी दिल्ली के थे लेकिन बंबई में आयुर्वेद के बहुत अच्छे चिकित्सक थे, वो वहाँ से जीते। रामनाथ गोयनका जी जीते, वो फिर इस तरीके से विदिशा दौड़ता चलता चलाया। लेकिन अभी एक आश्चर्यजनक बात राकेश जी, ये है जी। कि संसदीय क्षेत्र का नाम विदिशा तो जरूर है, लेकिन विदिशा जिले के केवल दो ही विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है, विदिशा और गंज वासुदा। बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है, रायसेन जिले के, जिसमें भोजपुर है, जिसमें सांची है और सिलवानी है। और 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, आष्टा और बुधनी सीहोर जिले के। और 1 विधानसभा क्षेत्र खातेगांव देवास जिले का है। इस तरीके से अगर आप 4 जिलों की विधानसभाओं को मिलाकर, 4 जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर के विदिशा का नाम है, तो नाम दिशा है। लेकिन अगर मतदाताओं की संख्या को देखेंगे तो वो मुश्किल से 25% है। तो कुल मिलाकर के विदिशा में इस बार वाकई रोचक है। और बल्कि मैं 1-2 उम्मीदवारों का तो नाम लेना चाहूंगा कि रामनाथ जी गोयनका जो वहां से जीत करके गए 1971 में, वो लौट करके कभी विदिशा नहीं आए। यहां तक कि कई बार एक औपचारिकता होती है कि सांसद या विधायक कहीं से अगर जीतता है तो पलट करके आता है आभार प्रकट करने के लिए, तो उन्होंने आभार की सभाओं में भी खुद हिस्सा नहीं लिया, बाकी दूसरे नेताओं ने। रोचक जानकारी है जी। आभार की सभाएं ली, लेकिन सुषमा जी ने जरूर बहुत समय दिया है। लेकिन फिर भी विदिशा को एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिए की और दूसरी चीज़ों की जरूरत थी, रोजगार की जरूरत थी, उसकी थोड़ा सा अभाव रहा। और ये जो रोड है जो भोपाल से विदिशा होकर के अशोकनगर को जाता है, ये 4-लेन रोड मैं समझता हूँ कम से कम 15 साल पहले मंजूर हुआ, अब जाकर के उसमें काम शुरू हुआ। संजय गांधी जी एक बार जब वहाँ पर आए और उन्होंने नहर, एक ताल तो बना कर चले गए, लेकिन नहरें नहीं बनी, वो नहरें शिवराज के समय बनी। इस समय सिंचाई का वहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा ठीक ठाक काम है। तो कुल मिलाकर के बहुत दिलचस्प है और चुनाव भी वहाँ पर दिलचस्प है विदिशा का संसदीय क्षेत्र। जैसा कि रमेश जी बता रहे हैं कि 4 जिलों की 8 विधानसभाओं को मिलाकर क्षेत्र बनता है। और एक बड़ी अजीब सी बात है सुधीर सक्सेना जी, इसमें कोई भी बाहर से आकर चुनाव जीत जाता है। पहले सांसद पंडित शिव शर्मा दिल्ली के रहने वाले, बंबई में प्रैक्टिस करते थे, विदिशा से आए, चुनाव लड़ा, सांसद बन गए। रामनाथ गोयनका जी, जिनका कोई संबंध सीधे विदिशा से नहीं था, आए, चुनाव लड़ के चले गए, आभार प्रदर्शन करने भी नहीं आए, रमेश जी कह रहे हैं। अटल जी एन वक्त पर फॉर्म भरने आए, चुनाव जीत गए, अटल जी का भी विदिशा से सीधा कोई रिश्ता नहीं था। तो ऐसा क्या है सुधीर जी कि विदिशा से कोई भी बाहर का आदमी आता है और चुनाव जीतता है? सुषमा स्वराज भी, उनका कोई संबंध नहीं था विदिशा से, आए और चुनाव जीत गए। मुझे ये जो आपने 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात कही, तो ये मान के चलिए कि विदिशा एक हिटरोजीनस सेगमेंट जी, विभिन्न जिलों के अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर एक
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है। रमेश जी ने बड़ी रोचक और दिलचस्प जानकारियां दी हैं जो हम लोगों के बहुत के लिए मायने रखती हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि विदिशा से बीजेपी या जनसंघ के जीतने का अर्थ ये कहां से हो गया कि वो राष्ट्रीय धारा के साथ रहा है? क्या विदिशा से अन्य संसदीय क्षेत्र जहां से अन्य पार्टियों और कांग्रेस के लोग जीत कर आते रहे हैं, क्या वे राष्ट्र की मुख्य धारा में शरीक नहीं थे? खैर, विदिशा का सौभाग्य ये रहा है कि यहाँ से बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन विदिशा का दुर्भाग्य ये रहा है कि उन बड़े लोगों ने विदिशा संसदीय क्षेत्र को औद्योगिक और भौतिक विकास की दौड़ में उस तरह से शरीक नहीं किया जिसका कि विदिशा। अगर अभी हम कहें सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं जी, उन्होंने कुछ किया विदिशा के लिए कुछ खास? सवाल ये नहीं है कि किसने क्या किया, उसको हम गणना कर सकते हैं, लेकिन जितना विदिशा हकदार था और अपने संसाधनों, अपनी उपज और अपनी दिल्ली भोपाल रेल रूट पर स्थित होने के कारण विदिशा का जितना विकास हो सकता था उतना विकास विदिशा का नहीं हुआ है। और विदिशा का गवर्नर तो सम्राट अशोक रहा है, सम्राट अशोक जो भारत के इतिहास में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ राजा या सम्राट रहा है, उसकी स्मृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए भी विदिशा में शासन के, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो बीजेपी रही हो, किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया है। लोग सांची देखने के लिए आते हैं, लोग उदयगिरी देखने के लिए आते हैं, लोग हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ देखने के लिए आते हैं, लेकिन विदिशा में जो विकास के पैमाने पर बड़े काम होने चाहिए थे उसके लिए जो अपेक्षा बरती है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो गोयनका हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, ये सारे के सारे लोग उसके लिए दोषी हैं। चलिए रविंद्र जैन साहब, आप भोपाल में राजधानी में पत्रकारिता कर रहे हैं कई दशक से और पूरे क्षेत्र को, पूरा प्रदेश ही खैर आपकी दृष्टि में है, लेकिन विदिशा की इस खास तासीर की जो बात रमेश जी कर रहे हैं, सुधीर जी कर रहे हैं, क्या सचमुच वो परंपरागत जो उसका मिजाज है वो अब वर्तमान में आपको किस तरह का दिखाई देता है? क्योंकि हाल के विधानसभा चुनाव में भी कुछ नतीजे अलग आए हैं। जी रमेश, पहले इतिहास से शुरू करके फिर मैं वर्तमान पे आता हूँ। रमेश जी बहुत वरिष्ठ हैं और वो शायद भूल गए होंगे कि विदिशा का एक नाम भिलसा भी है और एक जैन धर्म के नाम के यदि उससे देखा जाए तो शीतलनाथ भगवान के तीन कल्याणक वहाँ हुए हैं, जो 24 तीर्थंकर में एक शीतलनाथ भगवान है, 10वें तीर्थंकर, उनके तीन कल्याणक, इसलिए जैनियों के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा तीर्थ भी वहाँ आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से बन रहा है इस समय। खैर, एक एक ऐतिहासिक जानकारी मैंने दी है। अब मैं आता हूँ इस पर कि विदिशा में बाहर के लोग आए, आगे उन्होंने यहाँ जीता, जो है चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी की, लेकिन विदिशा की आवश्यकताएं पूरी करने में कोई भी आगे नहीं आया। क्यों नहीं बोलते कि यदि रामनाथ गोयनका जी यदि वापस नहीं आए तो अटल जी कब वापस आए, कब उन्होंने आके यहाँ पर स्वागत लोगों का अभिनंदन किया या आभार व्यक्त किया? उन्होंने दो जगह चुनाव लड़े थे राकेश जी, एक लखनऊ से लड़ा था और एक विदिशा से लड़ा था, दोनों जगह से जीते, लेकिन उन्होंने विदिशा को छोड़ना उचित समझा। उसके बाद भी विदिशा के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को गले लगाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं थी वो जब पूरी नहीं हुई तो इस बार विदिशा के लोगों ने जवाब दिया है। आप वहीं से शुरू करिए, बासोदा चुनाव इस बार हारे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में, विदिशा हारे, आप आइए रायसेन हारे, इस तरह से तमाम सारी सीटें सांची, जो जिसको सांची बोलते हैं वो हारे, लगातार हारते जा रहे हैं। इसकी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में चिंता और चिंतन है और यही कारण है कि केवल 7 या 8 दिन फॉर्म भरने में रह गए हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी वहां से उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। आप देखेंगे कि शिवराज सिंह जी चौहान निश्चित तौर पर बहुत लोकप्रिय है मध्य प्रदेश में, विदिशा उनका वो रहा है, विदिशा में उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी को वहां से टिकट मिलना चाहिए, जो अभी तक पार्टी निर्णय नहीं कर पा रही है। और उसका कारण सिर्फ यह है कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने जब अपने बेटे के लिए टिकट मांगा और उन्हें मना कर दिया गया है तो एक धर्म संकट है कि यदि शिवराज जी की पत्नी को टिकट दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ये निर्णय कर पाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि सुषमा जी ने तमाम घोषणाएं की लेकिन वो घोषणाएं कहीं जमीन पर नहीं उतरी। पिछले जब से उनका ये ऑपरेशन हुआ है किडनी का, तब से उन्होंने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया था, लोगों को मौखिक बोल दिया था मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, भी कर दिया। और पूरे विदिशा के लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगाए थे गुमशुदा के, सुषमा जी के। सुषमा जी बहुत बड़े नेता हैं निश्चित तौर पे, इसके बावजूद भी जो अपेक्षाएं मध्य प्रदेश सॉरी विदिशा के लोगों ने की थी वो पूरी अपेक्षाएं नहीं कर पा रही हैं, यही कारण है कि वो यहाँ प्रचार करने भी नहीं आई। पूरे विधानसभा में सुषमा जी 8 विधानसभा में से एक भी विधानसभा में एक भी मीटिंग करने के लिए नहीं आई, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो अपराध बोध से ग्रसित थी। वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य विदिशा संसदीय सीट का, रविंद्र जैन साहब ने बहुत अच्छे से विस्तार से उसको फैलाकर समझाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अब तक थे नवंबर तक, वे 4 बार वहाँ से सांसद रहे, 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, फिर भी विदिशा विकास की दौड़ में पिछड़ा है। रमेश जी, एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे जानना चाहेंगे
कि शिवराज सिंह चौहान के इतने लंबे नेतृत्व के बाद भी विदिशा की दशा और दिशा क्यों नहीं सुधरी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। मुझे वो बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था रमेश शर्मा जी से, जानना है कि जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शिवराज सिंह चौहान चार बार करते रहे और बाद में वे मुख्यमंत्री बन गए, उनका गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, इसके बाद भी विदिशा पिछड़ा हुआ क्यों रहा? रमेश जी देखिए, मोटे तौर पर शिवराज जी के समय काम तो हुआ, खासतौर से दो चीजों में काम हुआ है जी। एक तो रोड बनने का काम बहुत हुआ है और खासतौर से विदिशा का हर गाँव बड़े मार्ग से जुड़ा और बड़ा मार्ग फिर राजपथ से जुड़ा हुआ है, जो विदिशा भोपाल से जो रास्ता जाता है अशोकनगर की तरफ उससे जुड़ा हुआ है, पीछे फिर नरसिंहगढ़ से राजगढ़ जिले से उससे भी जोड़ा गया है, खासतौर से जो एबी रोड से भी जोड़ा गया है, वहां से बैरसिया होकर के मार्ग जोड़ा गया है। दूसरा, सिंचाई योजनाओं का काम शिवराज के समय बहुत अच्छा हुआ है, विदिशा को एक मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है, वो एक अच्छा काम हुआ है, और ब्लॉक स्तर तक चिकित्सा सुविधा शिवराज के समय विदिशा को कम से कम लेकिन सर, तो सर इसके राजनीतिक निहितार्थ पर मैं जाना चाह रहा था। रविंद्र जैन साहब का कहना यह है कि पार्टी अब 7 दिन बचे हैं नामांकन के अभी, इसके बावजूद प्रत्याशी क्यों नहीं तय कर पा रही भारतीय जनता पार्टी? क्या मामला शिवराज जी की धर्मपत्नी के नाम पर ही अटका हुआ है? देखिए, ये बात वाकई आश्चर्यजनक है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने तो घोषित कर दिया कल कि जैसे कि भाजपा में परंपरा रही है कि बाहर से किसी उम्मीदवार को आने का, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है पार्टी के स्तर पर, जिसके कारण वो फिर कहीं ना कहीं 8 में से 6 विधानसभा सीटों में भाजपा है। रविंद्र जी को जरूर मैं एक जानकारी ठीक करना चाहूंगा, गंज बासुदा सीट भाजपा के पास है, कांग्रेस के पास विदिशा पर की और सांची की, 2 सीट कांग्रेस के पास है, 8 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, फिर भी सुरक्षित होने के बावजूद भी पार्टी अगर वहां से उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, यह वाकई बहुत आश्चर्यजनक बात है। और आखिर आके ऐसा क्या बात है, क्योंकि अभी भी अगर आप पट्टी देखेंगे, भोपाल भी तय नहीं कर पा रही बीजेपी अभी तक, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खजुराहो में परसों लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। राकेश जी जो सुधीर जी आपके पास ही आ रहा हूं, जो बीजेपी के लिए बहुत निरापद और सुरक्षित सीटें हैं, जिसमें कि हम भोपाल की गणना करते हैं, विदिशा की गणना करते हैं, प्रताप भानु शर्मा की 2 बार की जीत को छोड़ दीजिए और 1984 के पहले केन प्रधान की जीत को छोड़ दीजिए, तो विदिशा और भोपाल दोनों ही बीजेपी के गढ़ या मान माने जाते हैं, और दोनों जगहों से अगर बीजेपी अपने प्रत्याशियों का चयन अंतिम घड़ियों तक नहीं अगर कर पा रही है, तो जाहिर है कि बीजेपी असमंजस की शिकार है, दुविधा की शिकार है, दुचित्ता है, और इस पे सिर्फ तरस खाया जा सकता है जी। रविंद्र जी, कांग्रेस ने कल अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, मेरी जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव हारे हैं वो शैलेंद्र पटेल, जिनको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी चयन को आप? निश्चित तौर पर यह बड़ा चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि नाम चल रहा था राजकुमार पटेल का, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि राजकुमार पटेल पर एक बड़ा आरोप लगा था करीब 10 साल पहले। राजकुमार पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया था और राजकुमार पटेल बहुत निकट रिश्तेदार हैं शिवराज सिंह जी चौहान के, तो उन्होंने एंड टाइम पर अपना जो बी फॉर्म है वो पार्टी से तो ले लिया लेकिन जमा नहीं किया, तो ये आरोप उनके ऊपर था कि उन्होंने सुषमा स्वराज को वॉकओवर देने के लिए, उनको चुनाव जितवाने के लिए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कुछ ऐसे पैक्ट किया था राजकुमार पटेल ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से निकाले गए थे। अभी उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई है, इस बार वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अरुण यादव के साथ में बुधनी में बहुत मेहनत की थी और उम्मीद थी कि राजकुमार पटेल को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इछावर से जो चुनाव हारे इस बार करण सिंह जी वर्मा के सामने, उन शैलेंद्र को दिया है, निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा कैलकुलेशन है, क्योंकि पटेल समुदाय के भी वोट काफी संख्या में है, और ये भी एक बात कही जाती थी राकेश जी कि जो 8 विधानसभा सीटें हैं उनमें विदिशा के लोगों को महत्व दिया जाता है या बाहर के व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि ये जो पट्टी है वो विदिशा से शुरू होकर रायसन होती हुई, बदनी होती हुई वो खातेगांव तक जाती है, और ये जो इछावर है वो कहीं ना कहीं बीच में आता है, तो उनको उम्मीद है कि दोनों तरफ के वोटों को साधने की कोशिश की जाएगी, और यंग चेहरा है, ये बेदाग चेहरा है, शैलेंद्र पर कोई आरोप भी नहीं है और उनके समाज के काफी वोट है, इसी तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखकर और ये शैलेंद्र को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद है अब, आपको क्या लग रहा है कि अब कितने कम दिन बचे हैं? भोपाल में दिग्विजय सिंह नामांकन भरने जाने वाले, यहां नाम नहीं तय हो पा रहा, विदिशा में नाम नहीं तय हो पा रहा, इंदौर में नाम नहीं तय हो पा रहा, ये गतिरोध बीजेपी में है कहाँ? विदिशा के बहाने हम आपसे रविंद्र जी जानना चाहेंगे। दरअसल राकेश जी, हो क्या रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी
एक सामूहिक निर्णय की पार्टी थी तब निर्णय बहुत आसानी से होते थे, अब निर्णय केवल दो लोगों को करना है इसलिए यह गतिरोध आ रहा है। वो दो लोगों को जब टाइम होगा उनकी प्राथमिकता दूसरी है इसलिए यह निर्णय नहीं हो पा रहा है। वो तमाम सारे जो गतिरोध यहाँ के हैं उनको समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। घाटा तो उन दोनों को भी तो होगा अगर निश्चित तौर पर ये बात वो समझने को तैयार नहीं है। सरकार बनाने के लिए विदिशा का भी सांसद चाहिए। मध्य प्रदेश में वो जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एज ए पत्रकार भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज इतना दुखी है इन तमाम मुद्दों पर। आज भोपाल में आप देखेंगे आज आपने 25 दिन ज्यादा प्रचार के लिए दे दिए दिग्विजय सिंह जी को, आप वहां देखिए इंदौर में कैसा मचा हुआ है कि ताई का जो पत्र आया उसके बाद से आज भी कार्यकर्ता, आज शाम तक की खबर है कि आज भी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि भाजपा को सद्बुद्धि आएगी और ताई को वोट देंगे, सॉरी टिकट देंगे। इसी प्रकार से खजुराहो में आप देखेंगे सोमवार अंतिम तिथि है, सोमवार अंतिम समय है, अभी तक खजुराहो का आपने निर्णय नहीं लिया है। आप ये तमाम सारे निर्णय से भारतीय जनता पार्टी में एक हताशा का माहौल महसूस किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में हताशा है। यहाँ जो सीटें आपको आप देखिए ना, पिछली बार 29 में से आपको 27 सीटें दी थी, एक उपचुनाव जीते हैं आप। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल था लेकिन इन 4-5 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। रमेश जी से भी जान ले रविंद्र जी, रमेश जी जैसा कि रविंद्र जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब दो लोग निर्णय ले रहे हैं, सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया खत्म हो गई है, तो वो जो दो लोग ले रहे हैं उन्हें भी तो सरकार बनाने के लिए एक एक सांसद की जरूरत है। अब मोदी लहर तो रही नहीं 2014 की, तो इतनी रिस्क पार्टी क्यों ले रही है? रविंद्र जी कह रहे हैं खजुराहो में परसों अंतिम तिथि है, 3 बजे तक फॉर्म भरना होगा, कल इतवार है, कब घोषित होंगे प्रत्याशी? विदिशा उसको के प्रत्याशी को अपना वो भी एनओसी लेनी पड़ती है, तमाम सारे सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, सर्टिफाई अपना लेना पड़ता है। ये किस तरह से आदमी काम करता है? जो दावेदार होते हैं वे सब एनओसी पहले से लेकर रखते हैं। भोपाल में 30 साल से और वहाँ 35 साल से बीजेपी काबिज है, और जो हम लोग कहते हैं ना जो मारे सो मीर जी, तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा करके जो मारे सो मीर की तर्ज पर बीजेपी से बढ़त ले ली है, और बीजेपी जितनी देर करेगी उतनी उसके हाथ से रेत फिसल जी, रमेश जी से ले लेते हैं। निश्चित रूप से ये बात तो सही है कि उम्मीदवार को घोषित करने में जितना विलंब होगा भारतीय जनता पार्टी को उतनी ज्यादा मुश्किल जानी है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर निर्णय एक या दो लोगों को ही लेना होता तो वो हो सकता है वो अभी तक ले चुके होते। मैं समझता हूँ संगठन के स्तर पर कुछ चीजों की प्रतीक्षा हो रही होगी। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है एक आकलन की दृष्टि से कि शैलेंद्र पटेल का नाम कहीं ऐसा ना हो कि आखिर मौके पर ये उम्मीदवार बदल जाए। अगर आप ऐसा देखेंगे तो राजनीति में ऐसा अक्सर होता रहा है। 84 में कांग्रेस ने ग्वालियर से किसी को उम्मीदवार घोषित कर दिया था लेकिन एन वक्त पर माधव राव ने जाकर के वहां पर्चा भरा था और अटल बिहारी वाजपेयी उसमें हारे थे। ठीक इसी प्रकार विदिशा में भी राघव जी फॉर्म भर चुके थे, अटल जी आ गए थे, पर्चा भर चुके थे, उनका अनाउंस हो गया था अंतिम क्षणों में आकर के फिर अटल जी ने पर्चा भरा था। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की भी कुछ ऐसी रणनीति होगी कि हो सकता है कि बाहर से कोई अगर उम्मीदवार हो तो वो दूसरा अपना यहाँ से उम्मीदवार। बीजेपी की रणनीति बताइए रमेश जी, बीजेपी के पास भी कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम है क्या? बड़ी लंबी फहरिस्त है वहां बाहर के लोगों की, शिव शर्मा, रामनाथ गोयनका, अटल जी, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पार्टी कहीं बीजेपी ऐसा कोई नाम ढूंढ रही है कि बाहर ही आदमी फिर एक बार ले। मुझे लगता है कि बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं, और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं या ताई ने चिट्ठी लिखकर अपनी मनोभावनाएं, राकेश जी मेरी जानकारी यह है कि पार्टी ने पूरी तरह से यह कह दिया है कि क्योंकि सुषमा जी ने कहा है कि आप 543 सीटों पर 42 सीटों पर आप कर लीजिए, एक सीट पर मुझे डिसीजन लेना है। और ये पूरी की पूरी सुषमा जी ही खुद कंफ्यूजन में हैं। उन्होंने अभी 8 सीटों के जो हारे और जीते विधायक थे उनको बुलाया था, सारे मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्षों को चारों को बुलाया था, अपने निवास पर बैठक की, और उनका प्रयास था कि शिवराज जी का एक एहसान उनके ऊपर है तो वो एहसान पटा दें। साधना सिंह के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया लेकिन शायद वो सहमति नहीं बन पाई, यही कारण है कि अभी तक इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। रमेश जी अगर शिवराज जी की पत्नी चुनाव लड़ती हैं, राजनीति में परिवारवाद कोई मुद्दा रह नहीं गया सिर्फ इसलिए कि वो शिवराज की पत्नी है इसलिए पार्टी में विरोध हो रहा होगा? बीजेपी में बहुत लंबी फहरिस्त है, अभी विधानसभा चुनाव में न जाने कितने लोग परिवारों के लड़े, कांग्रेस बीजेपी दोनों में, कांग्रेस के तो मंत्रिमंडल में दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं, उनके भतीजे चुनाव लड़े, उनके भाई चुनाव लड़े, साधना सिंह अगर चुनाव लड़ती है तो पार्टी में इतनी बड़ी आफत क्या है? नहीं मुझे नहीं लगता, वो तो सक्रिय राजनीति में है, एकदम स्काईलैब की तरह नहीं गिरेंगी। देखिए कुल मिलाकर मुझे लगता नहीं कि साधना सिंह का नाम आफत होगी। जिस बैठक का रविंद्र जी जिक्र कर रहे हैं उस बैठक में एक स्वर से साधना सिंह का ही नाम उभर करके आया था। 6 के 6 विधायकों ने ये बात कही थी कि साधना सिंह को टिकट दिया जाए, और जो 2 विधायक हार गए हैं उन लोगों ने, मुकेश टंडन ने और सांची से भी ये बात कही थी कि साधना सिंह को टिकट दिया जाए, मंडल अध्यक्षों ने भी दी थी, इससे पहले बहुत सारे लोग जा चुके हैं। मैं समझता हूँ वहाँ का कुछ और प्रकरण मामला होगा, साधना सिंह के नाम को लेकर के टिकट रुकेगा इस बात की संभावना मुझे तो मेरे आकलन में तो नहीं है। ये चलिए फिलहाल विदिशा की सीट का हम सब ने आकलन किया,
सन 67 से लेकर अब तक के इतिहास का, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी विदिशा स्टेशन के बाहर कहीं रुकी खड़ी है, जिसमें से कोई आउटर पर कहीं है जिसमें से प्रत्याशी उतर कर आएगा। नामांकन में अब इन्हें गिने दिन बचे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी विदिशा जैसे सुरक्षित गढ़ में, अपने अभेद्य दुर्ग में प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पा रही। आज़ादी से अब तक सिर्फ 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से चुनाव जीते हैं, शेष हर बार जनसंघ, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती रही। आइए इंतजार करें भारतीय जनता पार्टी कब तक इस नाम को घोषित करती है, और विदिशा का इतिहास इस बार किसी नए प्रत्याशी के नाम से लिखा जाएगा या भारतीय जनता पार्टी का कोई परंपरागत नाम ही वहां से प्रत्याशी होगा। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। विदिशा के समर के लिए आज बस इतना ही। कल किसी और लोकसभा सीट की मीमांसा करेंगे। हमारे तीनों खास मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए DNN के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।